नासिर भाई, नासिर भाई, हाँ नासिर भाई है ना, ये क्या नासिर भाई? अरे मोबाइल मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और अब नासिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर औरंगाबाद जिले के खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब, इसी तरह शहर औरंगाबाद के फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक और इस शहर के मेयर नंदकुमार घोड़ीले साहब, और अभी जिनका आगमन हो रहा है, अभी हमारे जो एमएलए हैं प्रदीप जायसवाल साहब, मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूं। इसी तरह स्टेज पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद महानगर पालिका में एमआईएम के गट नेता गंगाधर ढगे साहब, और हमारे तमाम ही कारपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर जिम्मेदारान, और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसी तरह रामदासे साहब और उनकी पूरी टीम, महानगर पालिका से आए हुए तमाम अधिकारी वर्ग, तमाम को मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि आज 29 जनवरी 2020 को यहाँ पर ख्वाजा करीमुद्दीन सिद्दीकी हॉस्पिटल का इनेकाद और इफ्तिताह अमल में आ रहा है। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अपने वार्ड में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक सरकारी अस्पताल कायम किया जाए, जहां वार्ड के और आसपास, जो हमारे वार्ड के आसपास में जो गरीब बस्तियां हैं, वहां के लोग आकर अपने इलाज करवाएं। और ये मुमकिन हो पाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसके लिए 70 लाख रुपए की लागत से ये दवाखाना यहाँ तामीर किया गया है। इस अस्पताल का संघ बुनियाद यहाँ पर जब रखा गया था तो वो 12 जुलाई 2017 को उस वक्त के एमएलए जनाब इम्तियाज जलील साहब के हाथ से ही रखा गया था, और आज जब उन्होंने खासदार है तो आज उस हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी होने जा रहा है। 2015 में जब मैं कारपोरेटर मुंतखब हुआ था, तो जब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के अंदर, मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ इस मौके पे, तो क्योंकि यहाँ तमाम वार्ड के जिम्मेदारान मौजूद है, हमने यहाँ पर टोटल अभी तक कंक्रीट के जो काम किए हैं वो 3,20,00,000 रुपए के वार्ड के अंदर हमने कंक्रीट रोड तैयार किए। इसी तरह पानी की जो नई लाइनें हमने डाली है वो लगभग 1100 मीटर हमने वो लाइनें डाली है। आप जिस जगह बैठे हैं यहाँ पर भी हमने 400 की लाइन, एक बड़ी लाइन डाले थे, क्योंकि काफी दिक्कत होती थी मोहल्ले के अंदर वार्ड में सप्लाई के लिए। जब से ये लाइन डाली गई, महापौर साहब आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम हमारे वार्ड में कम से कम 12 से 14 टप्पों के अंदर सप्लाई होती थी। जब से हमने लाइन डाले, जब से हमारे वार्ड के अंदर सिर्फ 8 घंटों के अंदर पूरे सप्लाई हो जाती है। दूसरी बात, हमने यहाँ पर ड्रेनेज के लिए भी कम से कम 1 करोड़ रुपए के काम ड्रेनेज के अंदर खर्च किए हैं। इसी तरह लाइटों के कामों के अंदर भी हमने 80 लाख रुपए खर्च किए हैं, और ये 70 लाख रुपए का दवाखाना। दोस्तों, बोलने का मतलब यह है कि इन सभी कामों के अंदर आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आपने मुझे नुमाइंदगी देकर यह साबित किया कि मैं इस काम करने के लायक हूं, और मैंने इन 5 सालों में बड़ी ईमानदारी से यह कोशिश की
कि आप लोगों ने जो मुझे मुंतखब करके महानगर पालिका में भेजा है, मैं आपके भेजे हुए नुमाइंदे के तौर पर काम करता रहूं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत सारी कामयाबी मिली। मैं मानता हूं कि वार्ड के अंदर बहुत कम काम बचे हुए, इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि ये टर्म खत्म होने से पहले मैं उन कामों को भी अंजाम दे दूं। मेरा इस पर मौके पर यह भी बात बताना जरूरी है कि वहां पर जो सत्ता में बैठे हमारे नंदकुमार घोड़ीले साहब है, वक्तन फोक्तन इनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला वार्ड के डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि हम लोग जब सुनकर गए थे तो सारा शहर यही सोच रहा था कि अब MIM और शिवसेना का कैसा होगा। लेकिन वहां पर हमने जाने के बाद तय यह किया कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के और शहर के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, लड़ने झगड़ने के लिए हमारे स्टेट बाद में इलेक्शन के अंदर हमारे काम आएंगे, लेकिन महानगर पालिका में हम आवाम की खिदमत करने के लिए गए और हम ईमानदारी से आवाम की खिदमत करेंगे। तो ये हमारे काम थे और कुछ काम बचे हुए हैं हमारे को। मेरे जो साथी कारपोरेटर्स है, ये 5 सालों में हम तमाम ने एकजुट और एक जान होकर काम किए और हमारे उस वक्त के MLA और MP इनकी भी हर वक्त हमारे को नुमाइंदगी हासिल रही। वो हमें बार बार जब भी मिलते हैं तो हमारी एक मीटिंग होती है, उसके अंदर पूछते हैं कि अपने अपने वार्डों के अंदर क्या तकलीफ है और उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मुझे भी कहो, मैं कमिश्नर से बात करूंगा, महापौर से बात करूंगा और आपके कामों को हल करवा के दूंगा। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में मैं समझता हूँ कि ये 5 सालों में जितनी जो बस्तियां थी माइनॉरिटीज की, खास तौर पर जो काम हुआ ये पूरे रिकॉर्ड साज काम है। पिछले 25-30 सालों में कभी ऐसे काम नहीं हुए। इंशाल्लाह इलेक्शन में जाने के पहले हम आपको यहाँ पर एक रुपए का हिसाब पेश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। मैं आप तमाम से इस मौके पर यही गुजारिश करूंगा कि आप इसी तरह आगे भी हमारा ताउन करते रहे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मदर को यहाँ फ्री सर्विस दिए जाती है और हर एक मदर का सोनोग्राफी, एक फ्री सोनोग्राफी अपने ये स्कीम में शासन के अनुदान से ये भी करते हैं, और जो ब्लड टेस्ट है जो नहीं होते हैं फ्री में, तो वो भी फ्री ये शासन से गरोदर परिवार को यहाँ से सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और जो HLL लैब बोल के है जो शासन की तरफ से अपने को मंजूर हुई है, उसी में ये 26 करीबन टेस्ट है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करता है, ब्लड शुगर चेक करता है, लीवर फंक्शन है, अदर है, वो टेस्ट भी अपने को यहाँ से सैंपल लेके फ्री में दिए जाएगा सर्विसेज। बाकी छोटे बच्चों का लसीकरण, स्कूल में जाने के वाला बच्चों, एनीमिया के बारे में जो है वो सब ट्रीटमेंट रहेगा, OPD रहेगी। और आशा बोल के जो महिलाएं हैं जो फील्ड में काम करती है, आज एक वार्ड को समझो 8 से 10 हज़ार एक महिला है, मगर अभी हमने शासन के पीछे लग के बोला है तो एक वार्ड के लिए 4 महिला करीबन कम अपने को ज्यादा से मिलने वाले हैं, और इनको काम के तौर उनको मानधन दिया जाएगा, वो भी आशा बढ़ेगी। और ये जो महिला है ये यहाँ के रहने वाली चाहिए, यहाँ उनकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए, वॉलेंटियर वर्क है और उनको हम उनके काम के मुकाबले उनको मानधन देने वाले हैं। ये भी महिला अपने ये महिलाओं के ये रहने वाली महिलाओं के लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी संधि है कि जो अपने साथ यहाँ का जुड़ सकती है, काम कर सकती है। और दूसरी बात, इसमें जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसके लिए भी हम नज़दीक आए वाले दिनों में वो भी एक्सपर्ट लाके यहाँ एक दिन OPD चालू करने का भी मानस रखते हैं, वो भी 1-2 महीने में वो भी यहाँ चालू कर देंगे। मुझे आप सबसे गुजारिश है कि ये जो सेवा है ये सब आपके लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और ये सब आप ही को संभालना है कि अच्छे तरह से हमारा दवाखाना रहे, अच्छे तरह से हमारे आदमी काम करें। जहाँ हम कम है जरूर हमको आके बताइए कि ये सुविधा नहीं, ये कम है, और हम उसको सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत सब। आज के इस महानगर पालिका के माध्यम से NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के माध्यम से ख्वाजा करीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इनके नाम से एक 5-स्टार अस्पताल जिसका यहाँ इनॉग्रेशन लोकार्पण होने जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, इसके उद्घाटक हमारे इस जिले के सम्माननीय खासदार महोदय आदरणीय इम्तियाजी जलील साहब, अपने इस मतदार संघ के सम्माननीय MLA विधायक, हमारे पार्टी के महानगर प्रमुख
प्रदीप जी जायसवाल साहब, जिनकी कड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत, दिलचस्पी अपने वार्ड के लोगों के लिए एक तहे दिल से तमन्ना थी। डेवलपमेंट के काम तो हम करते ही है, लेकिन डेवलपमेंट के काम के साथ एक अच्छी हेल्थ हमारे इस वार्ड के नागरिकों को देने का जिनका एक सपना था, ऐसे हमारे मित्र जो MIM के गठन नेता भी थे, बार बार शेख साहब कह रहे थे, आमदार के लिए विधायक के लिए खड़े थे, हमारे कारपोरेटर मित्र नासिर सिद्दीकी साहब, उसी प्रकार मंच पर विराजमान अयुब जागीरदार साहब है, अजू नायकवाड़ी साहब है, गंगाधर डगे जी है, आरिफ हुसैनी, शेख अहमद जो हमारे जिला अध्यक्ष है, समीर साजेद जो शहर अध्यक्ष है, अजीम जिसको मैं चुलबुल पांडे कहता हूँ, रफीक पठान साहब है, डॉक्टर पाडालकर मैडम, बहुत ही अच्छा काम इनका MIM बोलकर महानगर पालिका में इनके माध्यम से शहरवासियों को अच्छी हेल्थ देने का जिनके माध्यम से काम चल रहा है, ऐसे डॉक्टर पाडालकर मैडम है जिन्होंने एक अच्छा कंस्ट्रक्शन किया, ऐसे हमारे इंजीनियर रामदासी जी है, उसी प्रकार चिश्ती साहब है, शेख साहब है, मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, डॉक्टर काजी मैडम भी है, और यहाँ पर खास तौर पे उपस्थित सभी एरिया के सम्मान्य गणमान्य मान्यवर भाइयों, सबसे पहले तो मैं सम्मान्य हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इस अस्पताल को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आने वाला हर पेशेंट अच्छा होकर ही जाए। आप देख रहे हैं जयसवाल साहब को खास तौर पे बताना चाहूंगा और धन्यवाद भी मानूंगा, जयसवाल साहब अच्छा होगा, आप आगे में अकेले फंसा हुआ था। लेकिन आप आने के बाद में एक नजारा भी बदल गया, आपके अंग में केशरिया शर्ट, जिनील साहब के अंग में व्हाइट, और मेरे शर्ट मेरा हरा शर्ट, एक तिरंगा बन गया। नासिर भाई, आप इम्तियाज भाई के हाथ से एक अच्छे वास्तु का इनॉग्रेशन करना चाह रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज हमने डिसाइड किया तीन तीन दवाखानों का उद्घाटन इनके हाथ से करवा रहे हैं। विचार धारा एक है डेवलपमेंट की, विचार पार्टियों के अलग अलग हो सकते हैं, नहीं होना भी चाहिए, हम डेवलपमेंट की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शहर की डेवलपमेंट, अभी जब नासिर भाई ने खुद ने कहा कि मेरे वार्ड में 7 करोड़ के काम हो गए, फिर इम्तियाज भाई क्यों आरोप करते हैं शिवसेना के पीरियड में काम नहीं हुए बोलकर। मैंने लेकिन एक जरूर कहूंगा नासिर भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा शिवसेना के माध्यम से ही काम हुए हैं, आप जरूर मानना, मानो मत मानो, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग हो सकता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग होना भी चाहिए, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात होती है तो हर किसी ने मान्य भी करना चाहिए, और ये किसी छुपता भी नहीं है, ये दिखता है। मैं कोई वोट मांगने के लिए नहीं आने वाला हूँ, अब डरिए मत। लेकिन आपको एक सलाह भी दूंगा कि कभी जिंदगी में पुनः ही मनु नका। बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इम्तियाज जी जयसवाल साहब यहाँ पर है, मैंने जब कुर्सी संभाली थी तो शहरवासियों को अच्छे दिन देने का वादा किया था डेवलपमेंट के माध्यम से, देश को आए कि नहीं पता नहीं, लेकिन शहर को जरूर आए,
में, लेकिन हम मुफ्त में बदनाम हो जाते शिवसेना वाले। ये रेलगाड़ी जैसा है, स्टेशन आया तो पुराना पैसेंजर उतर जाता, नया बैठ जाता। लेकिन ये हमारे मित्र नहीं है, नहीं तो आप समझेंगे इन दोनों ने दोस्ती कर ली और आप गुमराह। ऐसा भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन के पहले जनता में जाना है तो हम मेरिट पर जाएंगे। जैसे नासिर भाई ने कहा, भावनिक विषय तो ठीक है, मैं जैसा कह रहा बार बार कह रहा हूं कि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा हो सकता है, लेकिन आजकल की पब्लिक जो काम करता है उसी को चुन कर देती है। निश्चित ही इस तरीके से भी नासिर भाई का काम है, कुदरती देन है। आप देख रहे हैं कि हेरिटेज टूरिज्म कैपिटल सिटी इसके माध्यम से सलीम अली जो जिसको एक इतिहास है, और सलीम अली लेक के सामने ये अस्पताल हो रहा है, निश्चित ही मैं तो कहूंगा कि अस्पताल नहीं, एक भगवान का मंदिर है। यहाँ आने वाला हर मरीज अच्छा होकर ही जाए ये तो कहूंगा, लेकिन इसको देखते ही आधा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा बनाया है ये अस्पताल। यह है हमारा काम, यह है कॉरपोरेशन का काम। आज आप देख रहे हैं कि रास्ता है, आज गली में मैं जब घूम रहा था, जब कचरे की समस्या हो गई थी या करवाई थी पता नहीं, लेकिन जरूर हो गई थी, लेकिन उस वक्त सभी नागरिकों ने मुझे साथ दी। हर नागरिक ने समझा कि जैसे मैं अपने घर में स्वच्छता रखता हूँ, मेरा घर जैसा साफ रखता हूँ, मेरा परिसर, मेरा वार्ड, मेरा शहर भी साफ रखना चाहिए। इसका पूरा श्रेय मैं हमारे इस शहर के नागरिकों को देता हूँ। निश्चित हर शहर के नागरिक ने मदद की। जब इम्तियाज भाई भी हमारे मदद के लिए दौड़ के आए थे, अब खुलकर बात करूंगा, पहले नहीं बोल रहा था मैं। लेकिन जब इन्होंने भी मदद की, हमारे जयसवाल साहब थे, खैरे साहब का तो नाम जरूर लूंगा, कि खैरे साहब के पीरियड में ही इस अस्पताल की मंजूरी मिली थी, बराबर ना नसीर भाई? खैरे साहब जब काजदार थे, खैरे साहब ने केंद्र के माध्यम से 5 अस्पतालों को निधि लाया था, उसमें का ये 9 अस्पतालों को निधि लाया था, 8 अस्पताल को, जिसमें से ये एक है। आज सभी ने इस कचरा का जो समस्या निर्माण की उसमें मदद की। आज आप देख रहे हैं शहर में कहीं पानी नहीं है, लेकिन नासिर भाई दावा कर रहे हैं कि मेरे वार्ड में रेगुलर पानी आता है। फिर आंदोलन क्यों करते नासिर भाई, अब तक मुझे समझा नहीं। अच्छा, शहर के लिए रहता। लेकिन रास्ते के काम हो रहे हैं, एलईडी का काम हो रहा है, ये सभी कॉर्पोरेशन की डेवलपमेंट है। आप देखते हैं कि इंटर जलील साहब ने तो एक सुझाव दिया कि जैसा इस शहर में ये हेरिटेज है, टूरिज्म कैपिटल की सिटी है, तो फूड प्लाजा होना चाहिए। इस शहर का एक इतिहास है, अच्छे अच्छे फूड का एक इतिहास है, अच्छे अच्छे जिसको हम खाने के जो पदार्थ रहते हैं उसका एक इतिहास है। इसके लिए फूड प्लाजा इतने पे रुके नहीं तो इंदौर जाकर रहा है, देख के आए, वहां की जो खाऊ गली है वो भी उन्होंने देख के रहा है। लेकिन दिल से एक हमारी सबकी इच्छा होती है कि शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, सिटीजन को अच्छी अच्छी सुविधा तो मिलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो भी हमारा कर्तव्य है, शहर स्मार्ट सिटी की ओर ये कर रहा है, शहर का नक्शा बदल रहा है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ सब अगर हम एक जगह आ जाते हैं तो निश्चित ही जनता ने जो हमारे से उम्मीदें की है, निश्चित हम पूरी कर सकेंगे, नहीं पूरी कर दिखाएंगे, ये भी हमको आज संकल्प करना चाहिए। आज कॉर्पोरेशन के माध्यम से आप देखते हेल्थ के बारे में जरूर कहूंगा, जब डेंगू का यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हुआ, 11 डेथ हुई हमारे गणेश कॉलोनी में, यहाँ नासिर भाई, वो हमारे एक बच्चे की डेथ हो गई, वो बेचारा उसके घर वालों से जब मिलने गया तो मेरे आंख में आंसू नहीं थम रहे थे, बड़ी हिम्मत करके मैं गया जब नासिर भाई भी वहां थे। लेकिन जब डेंगू से गए 11 लोग गए शहर में, तभी हमने डिसाइड किया कि अब 12वां इसमें कोई डेथ होनी नहीं चाहिए, और उसी दिन हमने डिसाइड किया और सभी हम वार फुटिंग पे काम किए और डेंगू को भी हमने कंट्रोल में लाया। अलग अलग योजना है, प्रेग्नेंट तो हमारी माँ बहनों के लिए योजना है, हमारे अलग अलग जिसमें डिसीज होते हैं, जो सीजनल डिसीज होते हैं, उसके बारे में भी एक अच्छा काम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रहा है। एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी एक अच्छा हम काम कर रहे हैं। सिटी बस आप देखते हैं, स्मार्ट बस, उसका जो फर्स्ट एनिवर्सरी डे था, पहला वर्धापन दिन था, उस दिन भी हमने सबने एक मनाया, लेकिन उस दिन हमने संकल्प किया एक सिक्योर जो ट्रैवलिंग बोलते हैं, सुरक्षित प्रवास, और माफक दरों में जिसको हम टिकट दर कहते हैं उसमें प्रवास, इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। निश्चित ही आज 3 अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से कुछ मांगे हमारे नासिर भाई ने इस रास्ते के बारे में रखी है, इसको एक अच्छा परिसर है,
इस परिसर में कोई डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इम्तियाज भाई बहुत अच्छी तरह से कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, इम्तियाज भाई को सभी पता है। तो मैं नासिर भाई से जरूर गुजारिश करूंगा कि इम्तियाज भाई के पास फंड्स भी बहुत होते हैं खासदार के नाते, निश्चित ही कॉर्पोरेशन तो कोशिश कर रही है, लेकिन खासदार साहब से भी रिक्वेस्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा फंड। जिला तो बहुत है लेकिन शहर से उनको ज्यादा प्यार है और आपसे तो बहुत प्यार है, आपसे तो बहुत प्यार है, निश्चित ही आपके इस वार्ड के लिए, मेरे वार्ड का बाद में देखेंगे लेकिन पहले आपके वार्ड के लिए जरूर इम्तियाज भाई आज अच्छी तरह से एक अनाउंसमेंट करेंगे, ये भी उम्मीद करता हूँ। फिर से एक बार आप सभी को इस अस्पताल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के माध्यम से शुभेच्छा देता हूँ, मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद, जय जय मां। नंदु भाई घोड़ीले हमारे मित्र आमदार प्रदीप जायसवाल साहब, इस इलाके के कॉर्पोरेटर नासिर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर नीता पाटिलकर मैडम, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम कॉर्पोरेटर जिम्मेदारान और इस इलाके के बुजुर्गों नौजवानों साथियों, मैं सबसे पहले तो नासिर सिद्दीकी साहब को इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सड़क बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स बनाते हैं, लाइट का काम बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स बनाते हैं, आज इतने सालों के बाद अगर इस शहर के अंदर डॉक्टर रफीक जकरिया साहब का नाम लिया जाता है तो वो इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने शहर के लिए कुछ पुख्ता काम किए थे। मैं समझता हूँ ये अस्पताल जो है नासिर सिद्दीकी साहब आगे कॉर्पोरेटर रहे या जिस किसी मुकाम के ऊपर चले जाए, यह अस्पताल जब तक रहेगा नासिर सिद्दीकी का नाम इसके साथ जुड़ा रहेगा। और आज ये अस्पताल जो तीन उद्घाटन किए जा रहे हैं वो तीनों भी ऐसे इलाकों में है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की बहुत सख्त जरूरत थी। पिछले कई सालों से इसके लिए कोशिशें की जा रही थी और यकीनन आज अगर ये खड़ा है तो इसके लिए कोई अकेला एक शख्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है या हम अकेले इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम अधिकारी पदाधिकारी और सबसे अहम आप लोग जिन्होंने नासिर सिद्दीकी साहब को एक मौका दिया था अपने इलाके की खिदमत करने का, उन्होंने उस यकीन को उस भरोसे के ऊपर खड़े उतरे थे। मेडिकल फैसिलिटीज के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो औरंगाबाद शहर के अंदर क्रांति चौक पे 200 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये 2014 का एक प्रपोजल था, लेकिन जब मैं आमदार बना तो उसके बाद हमने लगातार कोशिशें की और महज 7 एकड़ जमीन चाहिए थी वो अस्पताल को अगर मिल जाता तो आज 200 बेड का हॉस्पिटल औरंगाबाद के अंदर एक और खड़ा हो सकता था, और जिसकी वजह से हमारे घाटी अस्पताल के ऊपर जो इतना बड़ा लोड है, जो करीब 13 जिलों से गरीब पेशेंट वहां पर आते हैं तो वहां की हालत हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अस्पतालों की औरंगाबाद शहर को बहुत सख्त जरूरत थी और जब बार बार ये मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाने के ऊपर भी जब इसका कोई हल नहीं निकला, सिर्फ आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलते रहे, तो मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मुंबई हाईकोर्ट के अंदर औरंगाबाद बेंच में दाखिल किया था। और मुझे बताते हुए यह खुशी है कि उसी पीआईएल की बुनियाद के ऊपर जब कोर्ट ने नोटिस इश्यू करी तो क्रांति चौक की जमीन उस अस्पताल के लिए अलॉट की गई। और आज का ही ये डेवलपमेंट है कि आज अदालत के अंदर जब ये मैटर हियरिंग के लिए आया तो मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि इस हॉस्पिटल के बजट के ताल्लुक से फौरन फैसला लेने के लिए। तो ये काम एक ऐसा काम है जो मैं समझता हूं कि औरंगाबाद शहर के जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको खूब बेहतर बनाने में हमें कामयाबी मिलेगी। नंदू भाई ने बताया कि प्रदीप जायसवाल साहब आने से उन्हें बड़ी खुशी हुई कि वो वरना अकेले हो गए थे। नंदू भाई मैं तो हमेशा अकेले ही रहता हूं, अकेले घिरा रहता हूं, लेकिन तब भी अकेला महसूस नहीं करता हूं क्योंकि मैं आपको अपना ही मानता हूं।
और जहां तक आपने फंड के बारे में कहा है, मैं यकीनन एक खासदार के पास फंड होता है, लेकिन पता नहीं है कि पिछले 15-20 सालों का फंड कहां गया है कि बहुत दूर दूर से गंगापुर कन्नड़ वैजापुर से जब लोग आते हैं मुझसे कहने के लिए कि ये बना दो वो बना दो, तो मैं कहता हूं क्या इंतजार कर रहे थे मेरा कि मैं चुनकर आऊंगा तो अब ये सब काम होने वाले हैं। तो यकीन है ना, जितना होगा हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं हम सबकी ये जिम्मेदारी है। मुझे खुशी इस बात की है कि नंदू भाई ये जो हॉस्पिटल बना है, ये तीन जो हॉस्पिटल्स है, या मैं समझता हूं कि 9 हॉस्पिटल जो औरंगाबाद के अंदर खोले जा रहे हैं, सबसे खूबसूरत लोकेशन अगर कोई होगा तो वो यही लोकेशन होगा। यहां पर पेशेंट्स को दवाई कम और यहां का नजारा देखकर ही इलाज हो जाएगा मेरे हिसाब से, इतना खूबसूरत ये लोकेशन है। लेकिन एक बात ये भी है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना खूबसूरत लेक, मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना खूबसूरत स्पॉट कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहां पर महानगर पालिका ने कई करोड़ रुपया खर्च करके गार्डन बनाया है। वो गार्डन बनने के बाद हुआ ये कि एक साहब कोर्ट में चले गए और ये कहा कि यहां पर बर्ड्स आते हैं और अगर गार्डन के अंदर लोग गए तो फिर वो बर्ड्स चले जाएंगे। हमको ये कहना है कि इस लेक के अंदर बर्ड्स ने भी आना चाहिए, चिड़ियाओं ने भी आना चाहिए और इंसानों ने भी इसकी खूबसूरती का मजा लेना चाहिए। तो इसीलिए महानगर पालिका के महापौर साहब को मैंने विनती किया है कि अपने लीगल डिपार्टमेंट के जरिए अगर कोर्ट से वो स्टे हटाया जाए। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन नंदू भाई एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस राज्य के जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो आपके ही पार्टी के नेता है आदित्य ठाकरे साहब, लेकिन आपको उनके ऊपर इतना यकीन नहीं होगा जितना मुझे यकीन है कि वो महाराष्ट्र के अंदर टूरिज्म के लिए बहुत काम करेंगे और सबसे ज्यादा काम उन्हें दिखाने का मौका औरंगाबाद के लिए है। मैं कल ही जब मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग किए तो मैंने आदित्य साहब से ये कहा कि आप आए और आकर यहां पर देखे कि कौन कौन से स्पॉट्स यहां पर है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, और आदित्य साहब ने यह कहा कि मैं औरंगाबाद के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 दिन की विशेष बैठक यही फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर वो लेने के लिए जा रहे हैं। हम उसी के तहत उन्हें यह भी दिखाएंगे कि यहां पर हमारा प्लान यह है कि हम इस लेक के अतराफ में हम जॉगिंग ट्रैक बनाना चाह रहे थे ताकि यहां पर इस इलाके के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अगर इस लेक के अतराफ अगर हम वुडन प्लैंक बनाकर अगर हम वॉकिंग प्लाजा यहां पर अगर बनाए, जॉगिंग ट्रैक यहां पर बनाए कि लोग है तो इसके अतराफ में वॉक करने के लिए जाए, हम यहां पर बोटिंग की फैसिलिटीज शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन रुकावट सिर्फ यही है कि कोई अदालत में चला गया और अदालत से स्टे मिल गया। नंदू जी मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं आप वो स्टे हटा दीजिएगा, जितने करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा वो पैसा लाने की जिम्मेदारी सरकार से ले ली रहेगी। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं क्योंकि केंद्र में भी अगर सरकार है तो वो अगर हम अच्छा काम लेकर जाते हैं तो यकीनन हमारा साथ देती है। मैं इस मौके के ऊपर उद्धव साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। मैंने पिछली बार जब उन्होंने मीटिंग किया तो मैंने एक बात मैं ये मानकर चलता हूं कि औरंगाबाद शहर में अगर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होना है किसी बात के ऊपर तो एक तो एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए और दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर होना चाहिए। एजुकेशन के ताल्लुक से मैंने उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखा था, मैं जब चुनाव प्रचार करने के लिए गांव गया था तो एक जिला परिषद के स्कूल की बिल्डिंग ऐसी थी कि जहां पर टूटी फूटी इमारत के अंदर बच्चे जमीन के ऊपर बैठे, टीम का शेड है, दीवार कब गिरने वाली है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो मुद्दा मैंने वहां पर उठाया था मीटिंग के अंदर और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उद्धव साहब ने ये माना और उन्होंने ये तय किया कि औरंगाबाद जिले के करीब 325 जो स्कूल की इमारतें हैं वो पूरी की पूरी वहां से टीम के शेड हटाए जाएंगे और परमानेंट वहां पर अच्छी इमारतों के अंदर वहां के बच्चों को तालीम देने की का जिम्मा वहां पर सरकार उठाएगी, हम लोगों का पूरा ताउन उसके अंदर रहेगा। बस यही उम्मीद करते हैं महापौर साहब, आप जैसा आए हैं हमें भी कभी आपके प्रोग्राम में ले जाया करिएगा। आप मुझे अक्सर भूल जाते हैं नंदू भाई, ये मेरी बड़ी ये है। तो मुझे मालूम है आपकी मोहब्बत किससे है,
मैं पीछे बैठ जाऊंगा, कोई वो बात नहीं है उसमें आप जहां, क्योंकि मैं कुर्सी के लिए लड़ता नहीं हूं। कुर्सी के ऊपर कोई भी बैठ जाए, हमारा काम हमारी पहचान होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आने वाले 5 सालों के बाद इस शहर में लोग अगर पहचानेंगे तो यही बात से पहचानेंगे कि डॉक्टर रफीक जकरिया साहब ने ये काम किए थे। और इंशाल्लाह उन्हीं के नक्शो कदम पर चलते हुए अगर हम थोड़ा सा भी अगर इस शहर को बेहतर बनाने का काम कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि औरंगाबाद शहर के लोगों का हक हम अदा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।